पूजा पाठ और तमाम शुभ अवसरों पर घर को महकाने के लिए आप भी अगरबत्ती और धूप बत्ती का खूब इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। अगरबत्तियों और धूप बत्तियों को जलाने से उठने वाला धुआं आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कई रिसर्च में ये पाया गया है कि आपके फेफड़ों पर अगरबत्ती और धूप बत्ती में इस्तेमाल होने वाले पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का असर बहुत बुरा पड़ता है। ये आपको बताती है कि क्यों खतरनाक है अगरबत्ती और धूप बत्ती का प्रयोग और इससे किन रोगों का होता है खतरा। सबसे पहले देखते हैं क्यों खतरनाक है अगरबत्ती या धूप बत्ती का धुआं। अगरबत्ती या धूप बत्ती को बनाने में कई बार घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। बेहतर सुगंध के लिए इसमें पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कारण जब आप अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हैं तो आपको वातावरण सुगंधित तो लगता है मगर इसके धुएं में केमिकल्स की काफी मात्रा होती है। धुएं में मौजूद हाइड्रोकार्बन सेल मेम्ब्रेन में चिपक जाते हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। रिसर्च के मुताबिक लगातार अगरबत्ती के धुएं के सेवन से सांस लेने की क्षमता 30% तक प्रभावित हो सकती है। खून में भी घुल जाते हैं अगरबत्ती के केमिकल्स। अगरबत्ती या धूप बत्ती में प्रयोग होने वाले केमिकल्स धुएं के साथ आपके फेफड़ों में पहुंचते हैं और आपको बीमार बना सकते हैं। लंबे समय तक धुएं के संपर्क में रहने से हाइड्रोकार्बन फेफड़ों में जम जाते हैं। देखने पर ये तत्व फेफड़ों में चारकोल के चिपकने जैसा लगता है। ये टॉक्सिक केमिकल फेफड़ों के मेम्ब्रेन्स में इन्फेक्शन पैदा कर जीवन पर खतरा बना देता है। यही नहीं, धुएं में डांबर की तरह पाया जाने वाला केमिकल में कई भारी तत्व एवं हाइड्रोकार्बन होते हैं जो 10 माइक्रोन से छोटे होने पर सीधे खून में दाखिल हो सकते हैं। ऐसे में ये आपकी किडनी, लीवर और दिल को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगरबत्ती से सांस संबंधित बीमारियों का खतरा हो सकता है। अगरबत्ती और धूप बत्ती में ऐसे ढेर सारे हानिकारक तत्व होते हैं जो इंसान की सेहत के लिए बहुत खतरनाक माने जाते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ये केमिकल्स छोटे कणों और गैस के रूप में मौजूद होते हैं। इनके संपर्क में अधिक समय तक रहने से अस्थमा और COPD जैसी सांस संबंधित बीमारियों का खतरा हो सकता है। इसके धुएं में लगातार रहने से फेफड़ों की कोशिकाओं में सूजन आ सकती है। अगरबत्ती नर्व्स को भी करता है प्रभावित। सुगंधित अगरबत्तियों से निकलने वाले केमिकल युक्त धुआं आपके नर्व्स को भी प्रभावित करता है, इसलिए लंबे समय तक प्रयोग से इसका असर आपके दिमाग पर भी पड़ता है। इसके कारण सिरदर्द और कॉन्सेंट्रेशन की कमी की समस्या हो जाती है। कई बार लोग डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसे रोगों के शिकार भी हो जाते हैं। चूँकि बहुत छोटे कण खून में भी घुल जाते हैं, इसलिए इसके कारण खून में जानलेवा गैसों की मात्रा बढ़ने से दिमाग की सेल्स प्रभावित होते हैं, जिसके कारण नर्व से संबंधित समस्या हो सकती है। बस इतना ही नहीं, अगरबत्ती और भी कई सारे रोगों का खतरा पैदा करती है। अगरबत्ती या धूप बत्ती का धुआं मुख्य रूप से आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके कारण आपको अस्थमा, COPD, लंग कैंसर, कैंसर, डिमेंशिया, अल्जाइमर, स्किन डिजीज, हेडेक, माइग्रेन एक्सेट्रा की समस्या हो सकती है। छोटे कणों के खून में घुल जाने के कारण खून की अशुद्धि भी हो सकती है। रेगुलर बेसिस पे अगरबत्ती यूज करना सेहत के लिए हानिकारक है। इसे जितना हो सके उतना कम यूज करना चाहिए और अगर आपको सांस की प्रॉब्लम होती है तो आपको खास ख्याल रखना चाहिए। अगरबत्ती को घर के खिड़की, दरवाजे या ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहां से उसका धुआं आपकी तरफ नहीं आए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।